कल्याण सिंह के निधन के बाद उनके आवास पर जाकर श्रद्धांजलि नहीं देने के लिए सपा चीफ अखिलेश यादव पर लगातार भाजपा हमलावर है। भाजपा के हमले में जवाब में अब सपा नेता भी मैदान में कूद गए हैं। सपा नेता अनुराग भदौरिया ने कहा कि जब कल्याण सिंह को भाजपा ने दरकिनार कर बर्खास्त किया था तो हमारी पार्टी ने ही उनका साथ दिया था। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा, मार्केटिंग इवेंट में भाजपा को राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय कंपनी होना चाहिए, यह भाजपा ही थी जिसने कल्याण सिंह को दरकिनार कर उन्हें बर्खास्त कर दिया था। उस समय समाजवादी पार्टी ने ही उनकी मदद और उन्हें उचित सम्मान दिया था। उन्होंने कहा कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह उस समय कहां थे जब कल्याण सिंह को पार्टी से बर्खास्त किया गया था। भदौरिया ने कहा कि उन्होंने तब एक शब्द क्यों नहीं बोला, उन्हें सर माननी चाहिए। सपा प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा इस मामले पर केवल राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि हम समाजवादी भावनाओं से जुड़े हैं और हम भावनाओं के साथ राजनीति नहीं करते। वह भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के उस बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव के भाजपा नेता कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि नहीं देने की वजह मुस्लिम वोट बैंक तो नहीं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन के बाद उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के न आने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था कि कहीं मुस्लिम वोट बैंक के मोह में तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। हिंदुत्व का प्रमुख चेहरा और लोध जात के नेता कल्याण सिंह उस समय राज्य के मुख्यमंत्री थे जब 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद को कार सेवकों ने ध्वस्त कर दिया था। स्वतंत्र देव सिंह ने मंगलवार को ट्वीट किया था कि अखिलेश जी अपने आवास से मात्र 1 किलोमीटर दूर माल एवेन्यू में कल्याण सिंह जी बाबूजी को श्रद्धांजलि देने नहीं आ सके। कहीं मुस्लिम वोट बैंक के मुंह में छोड़ो कि सबसे बड़े नेता को श्रद्धांजलि देने से तो नहीं रोक लिया। कल्याण सिंह के निधन पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी थी, लेकिन ना तो यादव और ना ही उनकी पार्टी का कोई बड़ा नेता उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचा। वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी की नेता मायावती कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन करने उनके आवास पहुंची थी। कुछ समय के लिए कल्याण सिंह ने भाजपा छोड़ने के बाद अपना दल बनाया था और उन्होंने मुलायम सिंह यादव के साथ राजनीति गठजोड़ भी किया था। हालांकि यह दोस्ती कुछ देर ही चली थी और बाद में उनकी राहें जुदा हो गई थी।